सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मवर ताम मार के लाइव जुड़ गया हो देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल खानक ताम लाइव जुड़े हैं और मेरे सहमी ताम देखने लग रहे हो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कराया जाने लग रहा है और मारा गया ठाडे ठाडे मानस जुड़ रहे हैं। वेदपाल जी मारे मौजूद हैं, मास्टर सतबीर जी मौजूद हैं, तो भाई इनका जोश भी देखेंगे, जोश जज्बा जुनून। प्रधान वेदपाल तंवर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान वेदपाल तंवर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर सतबीर रतेरा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाजी बाजी बहुत बढ़िया, जोश तो देख लिया, जोश जज्बा जुनून बरकरार है। तो तंवर साहब आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हो और जो महापुरुष है सबके साथ ले हुए हैं, क्या लगा आपने ये जो आप प्रतिमा का अनावरण करिए जान लग रहा है, किस तरह का संदेश जाओगा और के आप अपने माध्यम से के संदेश देना चाहोगे? ये जो संदेश है जी, बाबा साहब ने जिस देश के लिए जो किया, आखिरी पायदान के आदमी तक का जो उन्होंने अपना उनको हक दिलाने का काम किया, संविधान किया, संविधान में जिस तरीके का काम बनाया वो किसी और देश में नहीं है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हर आदमी का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर क्षेत्र में ध्यान रखते हुए संविधान का बनाया, उसी के कारण हम जिंदा हैं आज डेमोक्रेसी के अंदर। बाबा साहब अगर जिस तरीके का कानून बनाया तो इस 70 साल में आज गरीबों को उसका हक मिलने का काम हो रहा है। लेकिन वेदपाल जी अगर मैं बात करूं, चाहे वो आरक्षण की नीति की बात करा, हर 10 साल के अंदर उसके अंदर जो है ना उसका संशोधन और उसमें परिवर्तन की बात कही गई थी, बहुत सारी चीजें जो रुकी पड़ी हैं और जो दबाया कुचला और शोषित और वंचित रह सहाय जो वर्ग है वो आज भी न्यू एडी ठेठे के बाहर देखा है, उसको उसका अधिकार नहीं मिल गया। हमारे कुछ पॉलिटिशियन लोगों ने और जो सही चीज जानी चाहिए वहाँ तक नहीं पूछ पाई है, अब समय आ गया है वो चीज वहाँ तक पूछने का काम होगा। तो हमारे कहना जो है गोवर्धन मंच के जो प्रधान है सतबीर जी, मास्टर जी मौजूद हैं। मास्टर सतबीर जी आपके तो बोले तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, तो काफी उठा पटक रखो के लग गए आपने, इन चीजें तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये सामाजिक आंदोलन है, हर समाज का, हर जाति का, हर वर्ग का लोग, हर धर्म के लोग, हमें आपस में प्यार से मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये देश बहुत अच्छा और सुंदर है, कुछ राजनीतिक लोग हमारे आपस में समाज की लड़ाई करवाते रहते हैं जिसका समाज को बहुत बड़ा नुकसान है। तो समाज जितना भी इकट्ठा होके प्यार से और सहयोग से और आपसी भाईचारे से आगे बढ़ेगा, अच्छा समाज का निर्माण होगा। और आज जो ये पार्क और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण प्रधान जी के आशीर्वाद के द्वारा और इनके पूरे सहयोग के द्वारा आज इसका निर्माण किया जा रहा है, ताकि समाज को एक अच्छा संदेश जाए और समाज के लिए इस पार्क को समर्पित किया जाए, ताकि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, लोगों का भाईचारा भी अच्छा रहे। और आप धर्म जी आप हमारे यहाँ है, आपका बहुत धन्यवाद, आप बिना ब्रेक के लगे रहते हो, बहुत अच्छे आदमी हो, तो हम आपका भी शुक्रिया करते हैं। तो अनावरण भी करो, हम थोड़ा सा दर्शक वो भी दिखाई देंगे, लगे चलते रहो जी और कार्यक्रम में जुड़े रहिए भाई लाइव। तो भाई कार्यक्रम कर क्या है, खानक के अंदर बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और अगर बात करें तो आम के आम और गुठली के दाम तो वो काम कर रखा है क्यों जी? मास्टर जी डॉक्टर साहब आम के आम गुठली के दाम, मतलब बाबा भीमराव अंबेडकर के माध्यम से एक संदेश भी दे दिया लोगों को और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है, पार्क का निर्माण हो गया। जी जी यही बात है जी, बिल्कुल यही बात है। और इससे पूरे इलाके में नहीं पूरे प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा 12 फुट की प्रतिमा बना रहे हैं और बड़ा रिकॉर्ड है, बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गांव में अगर जब तक हर गांव का आदमी इस तरीके से जागरूक अपने हकों के लिए जागरूक नहीं होगा, इसका ये संदेश है कि हर आदमी को अपना हकों का पता लगना चाहिए, यानी कोई वर्ग विशेष नहीं, वर्ग विशेष प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जिस तरह भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हर वर्ग के लिए काम किया था, तो जो तंवर साहब है और जो सतबीर रतेरा जी है इनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो अवधारणा है वो प्रत्येक मानस के बीच में होनी चाहिए। और ये तम देखने लग रहे हो मेरे सामने जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जिसका अनावरण जो है वो इब कराया जाऊगा लाइव, तम तस्वीर हमारे चैनल के ऊपर देखने लग रहे हो, संसार क्रांति पर लाइव तस्वीर तम देखने लग रहे हो। फिलहाल जो है खानक में मौजूद हम, तो शाम की खानक के अंदर और आड़े भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन कराया गया है और इसके लिए जो है आड़े जो बड़े बड़े मानस जो अठाडे अठाडे मानस पहुंचे हैं और भी आमजन भी पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल वो बताया दी वेदपाल जी ने, 12 फुट की प्रतिमा है भैया, यानी कि आम जो आदमी का जो कद है लगभग 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 10 इंच या 6 फुट हो जाए ज्यादा, तो भैया जो प्रतिमा है वो 12 फुट की है। इसमें भी कुछ रहस्य है भाई जी, क्या नाम अपना?
समुद्र दास। समुद्र बहुत गहरे हो आप तो फिर समुद्र तो घना डूंगा हुआ है। तो समुद्र भाई जो इसकी जो हाइट रखी गई है 12 फुट, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 12 फुट की दूर तो दिख जाए, एक्स्ट्रा थोड़ा दूर से दिख जाए, थोड़ा रोड बाहर जाने वाले को, क्योंकि ये नीचा रोड तो आने जाने वाले को दिख जाए और अच्छी सुंदर लगे, बढ़िया लगे। चलो तो और साहब एक और अजब गजब सवाल भी पूछेंगे, शेयर कर दे रहे हो वीडियो ने, जो वेदपाल तंवर जी हैं उन पर सवाल पूछेंगे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ये न्यू आंगली क्या कर रहे हैं, ये न्यू आंगली क्यों कर रहे हैं, न्यू भी पूछेंगे क्यों जी, पूछनी चाहिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा निशाना साधन की बात कर रहे हैं? कर्म भाई टेलीविजन पे देखा था, आज लाइव मिले हैं, आज डाउनलोड कर लिया हमारा। हाँ जी मिल गया आप तो भाई ठीक होगी। हाँ सही है, पहले से बहुत बेटर है। तो भाई तुम देखो लग रहे हो प्रतिमा का अनावरण, कैमरा मैन थी कहूंगा ऊपर दिखा दे एक बार, और ये नीचे आ रहा है जो शिला है। थोड़ा सौ ग्राम देखने लग रहे इस टाइम पे लाइव तस्वीर, इस टाइम देखने लग रहे हो संसार क्रांति पे। तो साहब ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न्यू आंगली कित कर रहे हैं? ये संविधान के लिए, अपने हकों के लिए, न्याय के लिए आंगली कर रहे हैं, न्याय के लिए। हाँ, अपने लक्ष्य को पहचानो, जो की तंवर साहब ने जवाब दिया भाई अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। कैमरा मैन को थोड़ा नजदीक आ जाए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। तो लाइव तस्वीर तो हम इस टाइम मार गए देखने लग रहे हो, और पहला देखने का सीन है भाई भी, इन्हें कहा गया जोश जज्बा जुनून, चलो भाई ले भाई, इसने कहा गया एकता जी। रोशनवीर जी कुछ दिन पहले जब अपनी भगत सिंह के ऊपर कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी अपने, इसी तरह जिस तरह जो कार्यक्रम है उसमें लगातार आप आगे के आगे मिलो हो, तो ये जो क्रांतिकारी जिन है कि पूरे समाज के लिए काम करे था लेकिन आज हमने उनको बांट दिया, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे भाई? क्रांतिकारी को जो लोग बांटे हैं उनके बारे में हम आज ये राजनीतिक लोगों ने समाज को बांटे, उधम सिंह हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, मदन लाल ढिंगरा हो, इन सब लोगों ने समाज को जोड़, समाज इकट्ठा हो, हमारा भाईचारा बढ़े, हम इकट्ठा, हमारा तो आपस में बहुत प्यार है, पर कुछ राजनीतिक लोग हमारे दवेश फलाके में आपस में लड़ते रहते हैं, जाति की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, पर महापुरुषों ने चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, चाहे भगत सिंह हो, सर छोटू राम हो, इन सब लोगों ने समाज को संदेश दिया है कि इकट्ठे हो जाओ, दुश्मन को पहचानो और भाईचारे को आगे बढ़ाओ, और हम मिलके सब एक बड़ी ताकत बने समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मू भाई, आपका भी धन्यवाद। सरपंच 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 साहब किसा फील कर रहे हो आपके एरिया में इतना बढ़िया काम हुआ, किसा फील, किसा महसूस कर रहे हो? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे बाबा साहब की आज प्रतिभा यहाँ लगाई गई है, दिल का गगन में आया, दिल का गगन में, बहुत खुश हो रहे हैं और ज्यादा खुशी हो रही है पत्रकार भाई यहाँ, इसके लिए और भी ज्यादा खुशी है। धन्यवाद जी। चलो बहुत बढ़िया, चीफ साहब भी मार्गेला मौजूद है, चीफ साहब क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर, क्योंकि जो प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है लोगों के दिल में क्या संदेश जाओगे भाई? ये बहुत ही जो ना खुशी का अवसर है, और जो महापुरुष हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी, वो सिर्फ इस देश के ही जो ना महापुरुष नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के महापुरुष हैं, दुनिया के हर देश में इनको जाना जाता है, और ये जो प्रोग्राम है जो मूर्ति का अनावरण किया जा सकता है, तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है लोगों को प्रेरणा देना,
और खासकर जवान पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि भी कैसे आगे बढ़ा जाए, किस हिसाब से शिक्षा ले जाए और कैसे अपने रोजगार के साधन ढूंढे जाए। तो ये सबसे बड़ी तंवर साहब, कानून की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि जो बाबा साहब का जो मैसेज था, जो संदेश आपने बताया भाई कानून की रक्षा, लेकिन आज जो है कानून के रखवाले जो है उन पर भी सवाल उठने लग रहे हैं, या कानून की इज्जत करना या कानून की पालना करना, इसके ऊपर क्या संदेश देना चाहोगे खासतौर पर युवा पीढ़ी को? देखिए, हक सभी का है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में अपनी बात करने का सबको हक है, और उन लोगों को भी मानना चाहिए कि वो कानून से बड़े नहीं है, कानून पहले है, बाद में आदमी नागरिक बाद में है। इसलिए हम तो ये संदेश इस युवा साथियों को देंगे कि कानून में रह करके कानून के साथ अपना लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का काम करें। तो भाई लाइव तस्वीर हमने देखी बाबा भीमराव अंबेडकर का, खानक में मूर्ति का अनावरण कराया गया और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कैमरामैन तक अनियन भी दिखा दिया, और भी प्रोग्राम रच रखा है, तो काफी राम राम भाई, राम राम, यानी के काफी संख्या में जो लोग हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और भाई, ताकि एक संदेश जावे, कानून की पालना का संदेश जावे, और भाई जो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का जो अनावरण कराया है वो अनावरण करना सार्थक सिद्ध होवे, हम और आप जो है कानून के दायरे में रहकर प्रगति का रास्ता पे आगे बढ़ा। वीडियो ने कर दो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर, फोकस शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म, जय जवान जय किसान जय श्री राम जय हरियाणा जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CVH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना, ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए CVH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CVH मसाले, स्वाद अनोखा बात अनोखा।